के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया, तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं उसका भी टैगिंग, उसके भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती है, सारी टाइमिंग बताती है और लोगों की जान भी बचती है, संपत्ति भी बचती है। और सिर्फ साइक्लोन के कारण जो संपत्ति बचती है ना, उसका अगर जोड़ लगा दे तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी ही है।
और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटायर्ड लोग हैं वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुबह सुबह मोदी जी यहां आए और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि इसरो, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा। और साथियों, आपके अलावा मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक और टास्क अलग से देना चाहता हूं, और होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम, मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने ये सिर्फ एक श्लोक बताया है, ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर
इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दायित्व ये कि हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्सप्लोर करिए। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अपना सिक्का जमाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त बना ले जाएगा वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। साथियों, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तैयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर करीब करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। वैसे कुछ दिन बाद 1 सितंबर से MyGov हमारे चंद्रयान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन लॉन्च करने वाला है। हमारे देश के स्टूडेंट्स इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। मेरे परिवारजनों,
देश की भावी पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। आप जो इतने सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, वह आने वाली पीढ़ी ही आगे ले जाने वाली है। आप उन सभी के रोल मॉडल हैं। आपकी रिसर्च और आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है, और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद की ताकत से, देश के प्रति इसी समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूं, इनोवेशन की हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके दर्शन करके पावन हुआ हूं। देशवासी गौरव से भरे हुए हैं, सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं, और आपका परिश्रम उन संकल्प को सिद्धि के तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन रहा है। आपको जितनी बधाई दूं कम है, जितना अभिनंदन करूं कम है। मेरी तरफ से, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की तरफ से, दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की।